हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं अपने चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के आते हैं। तीन ऑप्शंस रहते हैं, एक करना होता है। ये भी आपके इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वर्तमान में हमारे देश के लिए समस्या बन चुकी है। ज्यादातर क्वेश्चंस वहीं से आते हैं जिस क्वेश्चन का हमारे करंट सिनारियो से कोई लेना देना होता है। तो चलिए इस वीडियो में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, जिससे हमको लिखने में बड़ी आसानी होगी। बहुत बड़ा नहीं है, वर्ड फाउंडेशन इसमें 100 to 150 वर्ड होता है और इसके अंदर ही है। ये बहुत ही आसान लफ्जों में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। बाकी वीडियो में बने रहिए इसको पूरा समझने के लिए। देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक समस्या। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री इंडिया, यानी बेरोजगारी हमारे भारत में बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल आर इन सर्च ऑफ जॉब, बहुत लंबे पैमाने पर शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के लोग नौकरियों की तलाश में है। इट इज फाउंड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, ऐसा कस्बों में, गाँव में और शहरों में पाया जाता है। देयर आर मेनी कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के यानी बेरोजगारी के कई सारे कारण हैं इंडिया में। इन विच ओवर पॉपुलेशन इज द मेजर प्रॉब्लम, जिसमें जो ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या की वृद्धि जो है, वो एक अहम समस्या है। क्योंकि अनुमान के मुताबिक भारत पूरी दुनिया में आबादी में एक नंबर पे है, ठीक है। तो जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि बेरोजगारी भी ज्यादा है। Another cause of unemployment is defective system of education. पहला कारण क्या है? ओवर पॉपुलेशन। दूसरा कारण क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, मतलब हमारे जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें गुणवत्ता नहीं है। एक बच्चा 12th पास हो जाता है, ग्रेजुएशन हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई काबिलियत वो झलकती नहीं, क्योंकि वो 10-12 तो ऐसे पास हो जाता है कि स्कूल कभी देखा नहीं। ग्रेजुएशन से वो एग्जाम देकर पास हो जाता है, उसको अपने टीचर्स के बारे में नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट किसने पढ़ाया। फिजिक्स केमिस्ट्री उसको पढ़नी थी, बायो पढ़नी थी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, उसने कभी लैब देखा ही नहीं और वो पास हो गया। बोर्ड पर रिएक्शन कर रहा है, वो कहां से समझ पाएगा। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वेल डेवलप्ड मशीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और जो मशीन जो है, हर छोटी चीज के लिए मशीन, धान बैठाने के लिए, गेहूं काटने के लिए, गेहूं बोने के लिए, लाही काटने के लिए, इन सारी चीजों के लिए मशीनें बना दी गई। सड़क बनाने के लिए पहले क्या होता था, सैकड़ों लोग एक सड़क में काम कर रहे हैं, आज कुछ जरूरत नहीं है। एक जेसीबी लगा दी गई, रोड रोलर प्रेशर वाला लगा दिया गया, डंपर में भर के आ रहा है, सारी चीजें बराबर हो रही। तो क्या क्या कारण हमने देखे? ओवर पॉपुलेशन देखा, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और मशीनें भी जिम्मेदार हैं। इन ऑर्डर टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से निजात पाने के लिए स्टूडेंट्स मस्ट एक्वायर प्रैक्टिकल एंड जॉब ओरिएंटेड स्टडीज, बच्चों को जो एजुकेशन हासिल करनी चाहिए वो प्रैक्टिकल हो। इंटरमीडिएट में आप हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं, 2 आपके थ्योरेटिकल होते हैं। हिंदी इंग्लिश थ्योरेटिकल है, इसमें आपको प्रैक्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ऐसे आप हैं कि आपको अगर पता लगा एसिड क्या है, बेस क्या है, लिथियम क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, पता ही नहीं है, कभी देखे ही नहीं जिंदगी में। प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत अहम है। तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज साथ में जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करने चाहिए, ऐसे काम करें जिससे रोजगार के चांसेस बने। ऐसा नहीं कि तैयारी में पूरी जिंदगी बिता देना, अपनी स्थिति के हिसाब से चले। आपके पेरेंट 10 साल प्रिपरेशन के लिए नहीं दे सकते, आप छोड़ दीजिए, ऐसे काम को मत करिए। आप मैकेनिक लाइन में चले जाइए, कंप्यूटर कोर्सेज कर लीजिए, बिलिंग कर लीजिए, अकाउंटेंट का कोर्स कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स कर लीजिए, कोई छोटी मोटी इंजीनियरिंग कर लीजिए। भाई अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलिए। हम सरकार को कब तक दोष देते रहेंगे, सरकार ने भाई हमारा ठेका नहीं उठाया यार, वो नहीं हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और सरकार कोई भी आ जाए 100% लोगों को कोई रोजगार नहीं दे सकता, ये बात आप मान के चलिए। हाँ, सरकार बदलने से रेशियो बदल सकता है, जैसे किसी में 1 करोड़ है तो पता लगा किसी में 80 लाख हो जाएंगे, किसी में 60 लाख हो जाएंगे, लेकिन कहो 0 ले आओ तो कौन पार्टी में इतना दम ना है, ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए आत्मनिर्भर बने,
ठीक है। एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदल देना चाहिए। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल, और बढ़ती जनसंख्या पे भी नियंत्रण लाना चाहिए। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप, जो छोटे छोटे रोजगार हैं, लघु उद्योग हैं, किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसको भी जो है वो कह सकते हैं प्रमोट करना चाहिए। और कह सकते हैं बिजनेस भी इंसान कर सकता है, बड़ा नौकर बनने से बेहतर है छोटा मालिक बन जाओ। किसी की नौकरी करोगे वो गुलामी हो जाएगी। आने का टाइम, जाने का टाइम, छुट्टी का टाइम, सैलरी का टाइम कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारा खुद का बिजनेस है। जब चाहो बंद करो, जब चाहो खोलो, जितना मर्जी के उतना टाइम रहो, और उसमें तुम्हारे एक्सपेंशन के भी चांसेस हैं। तुम ग्रोथ करके अपने घर के दो लोगों को उसमें बुला कर रख सकते हो, इसमें क्या करोगे तुम? जब तक तुम्हारे पास दम है, शरीर में तुम्हारे ताकत है, जब तक तुम्हारी इज्जत है, वरना तुम धक्का मार के निकाल दिए जाओगे। इसलिए हमेशा अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, प्राइवेट छोड़ो, सीधा अपने बिजनेस पे ध्यान। कुछ दिन लगेंगे मगर आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो क्या है कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेस सेवरल क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट से कई सारे क्राइम होते हैं, मतलब जुर्म होते हैं, अपराध होते हैं। हंग्री मैन कैन डू एनीथिंग, भूखा आदमी कुछ भी कर सकता है। इट इज ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज सून एज पॉसिबल, और ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समस्या का समाधान करे। तो उम्मीद है आपको कुछ हद तक वीडियो समझ में आ गई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस आर्टिकल के आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए आज